नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज बात करने वाली हूँ हाथों की और पैरों की, जिनको हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, जिनसे हम बहुत सारा काम लेते हैं, लेकिन जिनका ख्याल हम थोड़ा कम ही रखते हैं। फेस पर तो खूब सारे सीरम्स, क्रीम्स, फेस पैक लगाते हैं, लेकिन हाथों पैरों को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हाथ और पैर बहुत जल्दी डल और डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और उन पर एक टैन की परत जम जाती है, काली परत जम जाती है, या फिर बहुत जल्दी एजिंग साइंस दिखने लगते हैं आपके हाथों पर, पैरों पर। फेस से तो नहीं पहचानता कोई एज, लेकिन आपके हाथों पैरों से पता चल जाती है आपकी एज। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी और बिना किसी खर्चे का सोल्यूशन आपको बता रही हूँ, जो कि आप हफ्ते में 2-3 बार कर लेना, आपके हाथों की स्किन, आपके पैरों की स्किन, आपके फेस जैसी ही चमकेगी, शाइन करेगी, और जो भी टैन, काली परत जमी हुई है या डेड सेल्स जमे हुए हैं, वो आपके उतर जाने वाले हैं। फर्स्ट ही यूज़ से आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखोगे अपनी स्किन में, माइंड ब्लोइंग नतीजे आपको मिलेंगे और बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मतलब आप पार्लर में, सैलून में मैनीक्योर, पेडीक्योर वगैरह जाके कराते हो तो घंटों घंटों बैठना पड़ता है, सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपको, 2 मिनट रेमेडी को अप्लाई करने के और 5 मिनट उसको लगा के रखना, एंड यू आर डन। ऑल योर टैनिंग एंड ऑल योर डल स्किन, ऑल योर डेड स्किन सेल्स विल बी रिमूव्ड और स्किन पर एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो आने वाला है। तो जल्दी से देख लीजिए इस रेमेडी को कैसे करनी है, कैसे तैयार करनी है। आपको लेना है शैम्पू, कोई भी शैम्पू जो आप अपने बालों में यूज़ करते हैं वो लेंगे। शैम्पू 2-3-4 पंप जितने भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। और शैम्पू में आप सबसे पहली चीज़ जो ऐड करेंगे वो है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जो कि क्लीनिंग में यूज़ होता है, या फिर हम चने वगैरह उबालते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। केक्स वगैरह में, बेकरी में भी यूज़ होता है बेकिंग सोडा, तो आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है। आई थिंक आपके घर पर होगा ही, और अगर नहीं होगा तो फिर पास की ग्रोसरी की दुकान से 10 रुपये में इतना सारा आ जाता है, तो आप उसे ले लेना और लेकर के रखो। एंड इस शैम्पू में आपने बेकिंग सोडा का 1/2 चम्मच मिला देना है। एंड जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है नींबू, यानी कि लेमन। लेमन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी आपकी स्किन के दाग धब्बे दूर करता है, झुर्रियाँ दूर करता है, स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट करता है, टैन दूर करता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से मिला लेनी है। एंड ये देखिए एक बहुत ही प्यारा सा झाग आ जाता है, बिकॉज बेकिंग सोडा और लेमन जब रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही सूदिंग होता है, ये सीन देखने वाला होता है। तो इस तरीके से झाग सी बन जाएगी, एंड इसकी झाग ख़त्म हो उससे पहले आपने इस सॉल्यूशन को यूज़ कर लेना है। लाइव नतीजे आपको दिखाऊंगी मैं, तो वीडियो अभी बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। ये देखिए नींबू के छिलके से ही आप अप्लाई कीजिए अपने हाथ पर, पैर पर, कोहनी पर, घुटने पर, जहाँ की भी स्किन आपकी टैन हो गई है, काली पड़ गई है, जहाँ भी आप स्किन को ब्राइटन अप करना चाहते हो या दाग धब्बे, झुर्रियाँ वगैरह मिटाना चाहते हो, वहाँ यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से आपने पूरी मसाज करनी है 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद 5 मिनट के लिए रखना है। मैंने ये हाथ पर लगाया है, रखूँगी मैं इसको, तब तक मैं पैर पर लगा के आपको दिखा देती हूँ। पैर पर भी इसी तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है, 2 मिनट की मसाज करनी है। तो दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर लगा लीजिएगा, या घुटने, नीज, कमर, गर्दन, जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पर एक काली परत सी जम गई है या फिर एक लाइन सी बन गई है। गर्दन पर कई लोगों की लाइन सी बन जाती है, वो लाइन भी इससे दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से 5 मिनट लगा के छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद वॉश करेंगे जब आप, तो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, एकदम लाइटनिंग इफेक्ट उसमें आएगा, 2 टोन लाइट हो जाएगी आपकी स्किन। और जो एक रिंकल वाली स्किन आपको दिख रही थी या स्किन बहुत ज़्यादा डल दिख रही थी, वो नहीं दिखेगी, अब नई स्किन दिखेगी आपकी, क्योंकि सारे डेड स्किन सेल्स रिमूव हो चुके होंगे। तो ये बहुत सिंपल, बहुत आसान नुस्खा है, मतलब महंगे महंगे पेडिक्योर्स कराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये अप्लाई कीजिए, विदिन 7 मिनट्स आपकी हाथों पैरों की स्किन बिल्कुल अलग हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट एंड शाइनिंग हो जाएगी।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेमेडी को और अपने बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स ज़रूर लीजिएगा और मुझे DM कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम ID है ये स्क्रीन पर, यहाँ आप मुझे DM कर सकते हो। और भी कोई क्वेरी आप पूछना चाहते हो तो बड़ी खुशी से पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और कमेंट बॉक्स में जा करके भी अपने रिजल्ट्स आपने शेयर करने हैं, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोग ये रेमेडीज यूज़ कर रहे हो और उनका आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ये छोटा सा वीडियो था जो कि आपकी स्किन को टैन मुक्त कर सकता है और बहुत ही प्यारा वाला ग्लो दे सकता है, तो यूज़ कीजिएगा इसको। और मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।